अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए बेहतरीन एप्पल जैम की रेसिपी लेके आई हूँ। एप्पल जैम क्योंकि बच्चों के लिए बहुत मुफीद है, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। आप इसे स्कूल लंच में भी बच्चों को दे सकते हैं। एप्पल जैम किस तरह बनता है तो आए आप ही देखें। सब्सक्राइब करें रेसिपीज बाय रुबीना चैनल को और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली मजे मजे की रेसिपीज आप तक पहुंच सके। तो चलें हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने लिए थे 1 किलो एप्पल। 1 किलो मैंने एप्पल के बीज निकाल कर छिलके उतार कर इनको बारीक बारीक कतलियों में काट लिए। ये देखें जितने बारीक आप काटेंगे उतना ही आपका जैम अच्छा बनेगा। 1 किलो हमारे एप्पल है, 700 ग्राम चीनी है, 2 मैंने लीमू लिए हैं। लीमू का मैंने रस निकाल लेना है। यहाँ मैंने पैन लिया है, चूल्हा मैंने जला दिया है, हल्की आंच मैंने कर दी है। यहाँ मैंने पानी लिया है, 1/2 कप हमने पानी लिया है। इसके अंदर हमने डाल देना है, साथ ही हमने जो एप्पल काट के रखे थे वो डाल देंगे इसके अंदर। एप्पल का जैम बनाने में तकरीबन 1 घंटा लगेगा। चम्मच की मदद से हमने इनको हिला देना है अच्छी तरह से ताकि पानी अच्छे तरह से सारा मिक्स हो जाए इसके अंदर। अब हमने इसके ऊपर ढक्कन दे देना है। आंच आपने चूल्हे की हल्की रखनी है, ऊपर 10 से 15 मिनट आपने ढक्कन दे देना है ताकि ये जो हमारे एप्पल हैं वो गल जाएं। हमारे 15 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं, एप्पल हमारे गल चुके हैं। अब हमने इनको हैंड ग्राइंडर की मदद से बिल्कुल बारीक काट लेना है। ये देखें इस तरह भी बारीक हो जाएंगे। अगर आपने इसको और भी ज्यादा बारीक करना है तो आप इस जूसर ग्राइंडर में भी आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं। 5 मिनट लगेंगे। लीजिए हमारे 5 मिनट हो चुके हैं, अच्छी तरह से मैंने मैश कर ली है। ये देखें और चम्मच की मदद से आपने अच्छी तरह से इसको हिलाते जाना है ताकि चीनी नीचे लग ना जाए। तब तक हिलाना है जब तक चीनी अंदर जज़ब ना हो जाए। जैसे चीनी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगी तो आपने 30 से 40 मिनट तक इसको ढक्कन देके रख देना है और 10-10 मिनट बाद आपने इसको देखते रहना है ताकि नीचे लग ना जाए एप्पल जैम। 10 मिनट बाद आपने दोबारा इसको देखना है, चूल्हे की आंच आपने हल्की कर देनी है। 10 मिनट हो चुके हैं, मैं एक दफ़ा इसको देखूंगी हिला के। ये देखें एप्पल जैम की हमारी शक्ल चेंज हो रही है। अभी हमारा जैम तैयार नहीं हुआ, अभी इसको और पकने देना है। चम्मच आपने बराबर हिलाते जाना है और ऊपर ढक्कन दे देना है 10 मिनट के लिए। और उनका रस निकाल लिया है, इससे ये होगा कि टेस्ट में फर्क आएगा, टेस्ट और भी जैम का मज़ेदार हो जाएगा। एप्पल का जैम हम बना रहे हैं ये और भी मज़ेदार हो जाएगा लीमू डालने की वजह से। लीजिए गाढ़ा होना शुरू हो गया है, 10 मिनट हमारे और लगेंगे एप्पल का जैम हमारा तैयार होने में। अब मैं दोबारा से ऊपर ढक्कन दे दूंगी। लीजिए हमारा एप्पल जैम तैयार हो गया है, तकरीबन 40 मिनट हमारे हो गए हैं एप्पल जैम को पकते हुए। ये देखिए हमारा जैम तैयार हो गया है बिल्कुल। अब मैं आपको इसको प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ। थोड़ा सा जैम आपने प्लेट में रखना है, ये देखिए निकालना है। अब हम आपको इसको दिखाते हैं कि ये बिल्कुल तैयार हो गया है। ये देखें ये जैम तैयार होने की निशानी है, परफेक्ट है। ये देखें अब मैं चूल्हे को बंद करने लगी हूँ और इसको ठंडा होने देंगे। 10 मिनट तक ठंडा हो जाएगा, फिर हमने इसको एक जार में महफूज कर लेना है। ये आप जैम 3 माह तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं और अपने घर वालों को भी खिलाएं, बच्चों को स्कूल लंच में दें। लीजिए एप्पल जैम हमारा बिल्कुल तैयार है, बाज़ार से भी अच्छा बना है, आप ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा। आजकल एप्पल बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। तो चले मैं इसको आप स्लाइस पे लगा के दिखाती हूँ आपको। ये मैंने स्लाइस लिया है, ये देखें वाओ मज़ेदार सा जैम हमारा बिल्कुल तैयार है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी।
अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अभी आप स्लाइस पे लगाएं, मजे मजे से खाएं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़, मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।